टेड लोड इफ इंटेंसिटी ऑफ लोड एट एट ए पॉइंट कॉल्ड द पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग मैन इज स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज देन मैन इज स्टैंडिंग ओवर द ब्रिज सपोज ये ब्रिज पर खड़ा हुआ है तो पर ये इसका जो लोड है मैन द लोड ऑफ दिस मैन वी कंसीडर ए पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड बिकॉज़ लोड अप्लाइड बाय दिस मैन इट एक्ट्स एट ए पॉइंट और इट एक्ट ए वेरी शॉर्ट लेंथ एज कंपेयर टू द बीम लेंथ ठीक है इफ अप्लाइड लोड एक्ट एट वेरी शॉर्ट लेंथ एज कंपेयर टू बीम देन वी कंसीडर द एज ए पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड कोई भी लोड अगर जो आपका एक्सटर्नल लोड है वो बहुत ही शॉर्ट लेंथ पर एक्ट कर रहा है ठीक है नेग्लिजिबल लेंथ पर एक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू द बीम लेंथ और एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है देन इंटेंसिटी ऑफ लोड वी कंसीडर पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड की तरह एक्ट कर कंसीडर करेंगे ठीक है सेकंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड load or UDL. If intensity of load along the length of the beam is uniformly vary, then it is called the uniformly distributed load. Suppose suppose a train is standing over the bridge, then the train weight or train load we consider its very

और इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द टिल फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन टू द एंड ऑफ द ट्रेन ट्रेन की जो लेंथ है उस लंबाई तक इंटेंसिटी ऑफ द लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो so इस केस में हम लोग ट्रेन का कैसे कैसा कंसिडर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह सपोज ए ट्रक एक ट्रक है हमने ठीक है ट्रक हमने ले लिया और इसमें ट्रैक में आपका ठीक है ये जो आपका सैंड है वो इक्वल हाइट तक फील्ड है ठीक है हाइट सेम है तो उस केस में हम लोग करेंगे जो सैंड का वेट है द तो सैंड वेट इट एक्ट इन दिस केस द सैंड टोटल वेट इज सपोज कैपिटल W बट इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ तो पर यूनिट लेंथ इट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ठीक है डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ सो इन दिस केस द सैंड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ ऑफ दिस एरिया और अलोंग द लेंथ ऑफ दिस एरिया ठीक है इस एरिया पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है दूसरा केस ले लेते हैं सपोज हमारे ये स्लैब्स होते हैं बीम्स बीम्स होती है नंबर ऑफ बीम्स ठीक है ये आपका स्लैब है तो स्लैब का जो हम लोग कंसीडर करते हैं ये स्लैब है ठीक है यहाँ पर आपका सपोज कर लीजिए इस तरीके का कोई स्लैब है हमारे पास तो स्लैब का लोड हम लोग कंसीडर करेंगे क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है ओवर द एरिया तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे द इंटेंसिटी ऑफ द लोड इट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इंटेंसिटी मीन्स वेट पर यूनिट लेंथ तो अलोंग द लेंथ ये लेंथ है तो अलोंग लेंथ इंटेंसिटी ऑफ द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो इन दिस केस वी कंसिडर इसको आपका ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का रिप्रेजेंटेशन है सभी कर सकते हैं वेट डब्लू वेट पर यूनिट लेंथ ठीक है एल लेंथ के लिए एक्ट कर रहा है ठीक है और ये रिप्रेजेंटेशन इस, इस तरीके से भी कर सकते हैं आपको फिगर में है कंफ्यूज नहीं होना तो ये आपका इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ठीक है वेट पर यूनिट लेंथ अब इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट इन टू द पॉइंट लोड तो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ये आपके पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहे हैं रिएक्शन और इसके मिड में यहां पर ये डब्लू पर यूनिट लेंथ है टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका डब्लू इन टू एल और ये कहां करेगा इसके मिड में ये जो मिड ले, यहां पर यहां लेके L है तो यहां पर एक्ट करेगा इसके मिड में डब्लू एल वाई टू रहेगी और ये एल वाई टू रहेगी ठीक है तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्जन करोगे देन यू अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू फाइंड आउट द रिएक्शंस ठीक है अब बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली लोड थर्ड वन इज योर यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड यूल यूनिफॉर्मलीफ इंटेंसिटी ऑफ द लोड अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम वेरी लीनियरली देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड ठीक है अब यूनिफॉर्मली इस तरीके से आपका वेरी कर रहा हो सपोज ये बीम है और हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये मेरा कैसा लोड है यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है लीनियरली वेरी कर रहा है ओवर द लेंथ यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है यह एंड पॉइंट है और ये W पर यूनिट लेंथ ये इंटेंसिटी है तो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है लीनियरली वेरी कर रही है ठीक है इफ इंटेंसिटी ऑफ द लोड वेरी लीनियरली अलोंग द लेंथ ऑफ द देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आपका पॉइंट लोड में सबसे पहले आप क्या करेंगे ये फिर ये एरिया देखेंगे हम एरिया अब इसका एरिया कितना होगा हाफ ठीक है लेंथ और भी द इंटेंसिटी ऑफ द लोड वेरी लिनियरली ठीक है लेंथ ले लेंगे ले और इंटेंसिटी ऑफ द लोड ये कहाँ काम करेगा इसके ये जो ये एरिया है यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड का जो एरिया है उसके सेंट्रोइड पर एक्ट करेगा मींस 12y3 लेंथ यहाँ से स्टार्टिंग था और यहाँ फिनिश हो रहा तो ये 12y3 लेंथ पर एक्ट करेगा और ये हो जाएगा wl y 2 ठीक है ये p पॉइंट है सपोज ये q पॉइंट है तो p पॉइंट और ये q पॉइंट p पॉइंट से 12y3 लेंथ पर एक्ट करेगा l ly2 नाउ यू कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब एग्जांपल्स कैसे हैं जैसे हाइड्रोस्टेटिक लोड है तो ये आपका सपोज ब्रिज है यहाँ पर डैम है और यहाँ पर आपका वाटर फील्ड है तो आपका वाटर कैसे अप्लाई करता है हाइड्रोस्टेटिक लोड हाइड्रोस्टेटिक लोड वेरी लीनियरली इक्वल टू रोज एच तो ये जो मेरा लोड होगा ठीक है ये यहाँ से यहाँ तक आपका इस तरीके से होगा तो इसमें आपका जो एक्ट करेगा ये लीनियरली वेरी कर रहा है ठीक है डेफ्थ में जब नीचे जा रहे हैं तो ये लीनियरली वेरिएशन हो रहा है तो यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड है ये आपका ठीक है दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं सपोज़ आपका सैंड है ट्रक में ठीक है अब ट्रक के अंदर आपका ये यहाँ पर सपोज ये सैंड का वेर, इस तरीके से फिल्ड है ठीक है ये इस तरीके से यहाँ पर फिल्ड है ठीक है लेवलिंग हमने इस तरीके से की तो ये जो आपका लोड इंटेंसिटी है इसके एरिया के अंदर ठीक है जो बेस में है लोड इंटेंसिटी वेरी लीनियरली अलोंग द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन क्रॉस सेक्शन ठीक है तो हे आर द इंटेंसिटी डब्लू पर यूनिट लेंथ तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे लोड का ठीक है यूनिफॉर्मली रहेंगे लोड और तीसरा हम लोग कर सकते हैं इसके बाद का जो है द लोड वेरी विद समशंस सपोज इस तरीके से आपका लोड वेरी कर रहा है ठीक है कर नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है ठीक है वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ठीक है यह आपका लोड का वेरिएशन है ठीक है so, सो टोटल so, सो लोड का वेरिएशन इस तरीके से है तो आपका इसका एक क्रॉस एक्शन लेंगे सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज माई डी एक्स सो so एरिया कितना हो जाएगा टोटल एरिया ठीक है टोटल एरिया वाई इंटू डी एक्स टोटल एरिया एरिया ऑफ एरिया अंडर द कर विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ लोड सो जीरो टू एल तक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स सो यहाँ से के एक्स की क्यू ओवर थ्री जीरो टू एल तो यहां से आ जाएगा जीरो एल की क्यूब बाई थ्री तो ये एरिया आ गया ठीक है और के कैसे निकालेंगे लिमिटिंग कंडीशन वी नो दैट वाई इज इक्ल टू के एक्स स्क्वास इज इक्वल टू एल पर वाई कितना हो जा रहा डब्लू ये हमारा हो जा रहा पर यूनिट लेंथ इंटेंसिटी तो यहां पर हमारा w के और एक्स की जगह एल एल स्क्वायर ठीक है तो एल हमारा सपोज ये है एल है तो के इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा w वाई एल स्क्वायर तो इसको यहाँ रख देंगे तो ए इज इक्वल टू डब्लू ओवर एल स्क्वायर इंटू एल की क्यू वाई थ्री तो यह आएगा डब्लू एल वाई थ्री तो ये इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे दिस इंटू दिस और इसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक इसका सेंट्रोइड निकालने के बाद ये सेंट्रोइड पर लगेगा डब्लू एल वाई थ्री लोड नाउ यू कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम

यू तो ये कैसे होगा सपोज आपका लोड का वेरिएशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इफ लोड वेरी लाइक दिस ठीक है लोड का वेरिएशन इस तरीके से देन यू मे कन्वर्ट टू इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ठीक है फ्रॉम हियर टू हियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज दिस इज डब्ल्यू वन वन पर यूनिट लेंथ एंड हियर इज डब्ल्यू टू पर यूनिट And this is L. तो आप यहां से यहां तक आप इसको क्या कीजिए एक बार यूनिफॉर्मली डब्लू वन पर यूनिट लेंथ ठीक है तो इसका हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का और ठीक है और दूसरा हम रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखाएंगे ये वाला केवल ये ऊपर वाला जो लोड है तो ये ऊपर का लोड मेरा क्या हो गया यूनिफॉर्मली बहराएंगे लोड एक इतना हो जाएगा डब्लू टू माइनस डब्लू वन पर यूनिट यहां पर रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे सपोज so इसके मिड में एक्ट करेगा सपोज ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट पी पॉइंट है तो पी और क्यू के हाफ में एल वाई टू सपोज और ये एल वाई टू पर यहां पर एक्ट करेगा डब्लू वन इंटू एल ठीक है पॉइंट रोड की तरह ये इसका इस वाले हिस्से का और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसके सेंट्रोइड पॉइंट पर एक्ट करेगा एरिया के तो इसका लोड कैसे निकालेंगे हाफ इनटू ये लेंथ एल है और ये जो लेंथ है डब्लू टू माइनस डब्लू वन और ये कहां पर करेगा इसके यहां से पी पॉइंट से पी पॉइंट टू एल वाई थ्री लेंथ पर सो एल वाई टू और ये यहां पर एक्ट करेगा कितना लोड होगा ये होगा वन वाई टू इन एल इंटू डब्लू टू माइनस डब्लू वन और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक टू एल बाई थ्री तो इस तरीके से हमारा कंबाइंड केस आ जाए तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे लोड सो यूडीएल में हाफ लेंथ पर एक्ट करेगा लोड पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड डब्लू वन इंटू एल वन क्या है पर यूनिट लेंथ सो टोटल लोड डब्लू वन इंटू एल

the support of the actions thank you